नमस्ते प्यारे दोस्तों, बॉन्डिंग विद टेस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना प्याज लहसुन से बनी तुरई और आलू की एक सब्जी, जो झटपट बन जाए और खाने में भी बेहद टेस्टी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को देख लेते हैं। पहले सब्जियों को तैयार कर लेते हैं। आलू को अच्छे से छिलका उतार के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इधर मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिया है। अभी तुरई का भी छिलका उतार लेंगे और इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इधर मैंने तीन तुरई लिया है। तुरई और आलू काटने के बाद अच्छे से पानी की मदद से धो लेंगे। आइए अभी आगे बढ़ते हैं मेन रेसिपी के ओर। हमारे पैन गरम हो चुके हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। ये रेसिपी आप घी से ही बनाइए। घी अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ते और 2 से 3 सूखे हुए लाल मिर्च। मसाले को भूनेंगे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। अभी इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सब्जियों को मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई हो चुके, रंग भी चेंज हो चुका है। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी। नमक और चीनी आप स्वाद अनुसार मिलाइए। अच्छे से मसाले के साथ सब्जियों को मिलाएंगे। अभी ऊपर से ऐड करेंगे 1 कप दूध। ध्यान रखिए इसमें हमें दूध यूज करना है, पानी नहीं। अभी इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए अभी चावल को तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने ले लिया है बासमती राइस। 1 टेबलस्पून राइस को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अभी इसको ब्लेंडर में डालेंगे और पानी डाल के इसका पतला पेस्ट बना लेंगे। ये चावल हम सब्जी में थिकनेस लाने के लिए ऐड करेंगे। ध्यान रखिए आपको बासमती राइस लेना है क्योंकि इसका सुगंध अच्छा होता है। इधर हमारे सब्जियां भी पक चुके हैं। 10 से 12 मिनट के लिए इसको छोड़ना था। देखिए आलू कट रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। अभी ऐड करेंगे नारियल का बुरादा 1/2 कप। अच्छे से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे चावल का पतला पेस्ट। सबको अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए सब्जी काफी थिक हो चुके हैं। इसे आपको बीच बीच में चला लेना है, नहीं तो ये नीचे अटक जाएगा।
लीजिए, तैयार है हमारे ये सब्जी, आइए इसे अभी परोस लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है और खाने में भी बेहद टेस्टी है। आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल बॉन्डिंग विद टेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए कोई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।